तो आज हमारा था यहाँ पर फर्स्ट डे, तो मैंने टिफ़िन में बनाया था अक्का मसूर और चिकन का सालन, और यहाँ पर बनाया था हम लोग के लिए गर्मा गर्म जस्ट बनाए चावल। हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद दोपहर में बनाया था ये ब्रेड का पुडिंग। तो मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम घर में ट्राई कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम मैं इसका वीडियो बराबर बनाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप कैसा बना। अभी देख रहे थे हम लोग कैसा बनता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। मैंने नहीं बनाया था, मेरी बहन ने बनाया था, तो उसने काफ़ी अच्छा बनाया था। देखो ये शुगर का सिरप एकदम मस्त लग रहा था, और दिखने में भी इतना अच्छा लग रहा है और खाने में इससे अच्छा बना था। तो नेक्स्ट टाइम मैं ना इसका वीडियो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बनाने की कोशिश करूँ। अभी भी बनाने वाली थी मैं, पर इसने ना, मैं कुछ काम कर रही थी क्योंकि संडे था, तो मैं कुछ काम में बिज़ी थी जब तक इसने बना लिया। तो चलो अभी यहाँ से हम लोग चलते मार्केट। तो मार्केट करके पूरा हम लोग आ गए मार्केट। आज हम लोग गए थे रात में 9 बजे के टाइम पे गए थे, शायद से 8 बजे गए थे, तो बारिश का भी मौसम था काफ़ी। और फिर हम लोग आने में भी थोड़ा लेट हो गए, आते ही फिर हम लोगों ने फटाफट बनाया चिकन का गर्मा गर्म पुलाव। अभी यहाँ पर हम लोगों ने दम पे रखा था तवे पे, क्योंकि डायरेक्ट गैस पे रखते ना तो जल जाता है पता नहीं क्यों, तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था फिर दम पे रखा था तवे पे। तो ऐसे ही पुलाव इनको पसंद है, खुला खुला। और मुझे सब चीज़ें ऐसे, मतलब गर्म गर्म चावल भी मुझे ऐसे सॉफ्ट पसंद है, ऐसे वाले पसंद नहीं है, तो काफ़ी फिक्का वगैरह बनाया था। तो हो गई नेक्स्ट डे मंडे के दिन, हम लोग के वहाँ लग रहा था वाईफाई। यहाँ पर ये वाईफाई वाले अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर अली को हम लेके आए थे साथ में, तो मैं अली का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कपड़े नहीं पहना था। फिर जैसे ही शाम हो गई, हम लोगों ने बनाया था चिकन कोरमा। तो चिकन कोरमा में कांदे वगैरह हम लोगों ने पहले ही फ्राई करके ले लिया था। फिर ये सब मसाले निकाले थे खड़े, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया की बुक्की, जीरा की बुक्की, यहाँ पर खड़े मसाले, यहाँ पर चिकन वॉश करके रखा, यहाँ पर मलाई। ऑयल को गैस के नीचे रख के फिर बाद में इसमें डायरेक्ट हम लोगों को ठंडा ऑयल है ये, फिर इसके अंदर डालना है दही। जैसे हिसाब से 1 किलो चिकन है तो 1.25 किलो दही, 2 किलो चिकन है, ऐसे हिसाब से आप लोगों को देना है। तो हम लोगों ने यहाँ 1 किलो चिकन था, तो 0.5 किलो हम लोगों ने दही लिया था। फिर यहाँ पर तेल में हम लोग डालेंगे पहले तो दही, फिर इसके बाद आप लोग को जो मसाले लगते हैं, जैसे मसाले लगते हैं, ये जो हम लोगों ने गरम मसाले सब खड़े निकाले थे वो हम लोगों ने मिक्सर में ग्राइंड किए थे, बारीक करके डाले थे। अक्खा कोई भी खड़ा मसाला हम लोगों ने इसमें नहीं डाला था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे अदरक। अदरक यहाँ पर आप लोग को डालना है 2 से 3 चम्मच, और जो भी मसाले थे सब इसमें डाल देना है। मसाले जो भी आप लोग खाते हो वो सब मसाले डाल दो, जैसे कि चाट मसाला वगैरह इसमें नहीं डालना है। जो भी गर्म मसाले हैं वो अच्छे से इसमें डालना अपने हिसाब से। हम लोग तीखा ज़्यादा खाने वाले तो हम लोगों ने हमारे हिसाब से डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालो। यहाँ पर हम लोगों ने वॉश करके रखा हुआ चिकन डाल दिया, तो चिकन भी ऐसे साफ बोटी में लेके आई थी। हड्डी वाला चिकन हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोग साफ बोटी ही खाते। ऐसा बहुत से लोग हड्डी वाला खाते, हम लोग को पता नहीं, पहले से हड्डी वाला चिकन ज़रा भी पसंद नहीं है। हम लोग नरम सॉफ्ट वाला बिना हड्डी का गोश्त लेके आई थी मैं, ये 1 किलो। तो चलो इसमें हम लोग वो एक एक डाल के दिखा रही, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो उसमें जो पानी रहता है वो पानी नहीं डालने का, कोई कोई ऐसे ही डाल देता है, तो एक एक ही डालना चाहिए। जब गोश्त वॉश करके रखा था उसका पानी एकदम साइड में हो जाएगा, तो फिर हम लोग चिकन डालेंगे अपने एक एक करके। फिर इसमें डालना है अमूल फ्रेश क्रीम, 2 चम्मच डाल सकते हो आप लोग, ये अपने अंदाजे से डाल रही है क्योंकि इसको पता है क्वांटिटी क्या कैसे रखनी है, तो अपने हिसाब से डाल रही थी। अगर आप लोग के पास फ्रेश मलाई होगी तो आप वो भी डाल सकते हो। सबसे अच्छा है कि ये डब्बे वाली मलाई लाओ, वो डब्बे वाला ही मलाई डाल दो, काफ़ी ग्रेवी भी ये सब चीज़ों से ठीक बनती है। और क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो कुछ पड़ने वाले नहीं है, सिर्फ इतना ही पड़ने वाला जो हम लोगों ने बिरिस्ता बनाया है वो मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग रखेंगे गैस पे। अभी हम लोग इसमें नमक वगैरह नहीं डाला है, तो अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप लोग नमक वगैरह भी डाल लेना। तो देखो कैसे मिक्स हो रहा है, और काफ़ी अच्छा बनाता है सालन। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर और बनाएंगे, अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम बनाए थे तो काफ़ी अच्छा बना था। तो अभी मतलब बच्चे लोग भी खाए थे, मरियम को तो इतना अच्छा लगा, तो बोल रही थी होटल से लेके आए क्या, मुझे बोला नहीं घर में बनाए। तो देखो अभी पूरा रेसिपी, फिर आप लोग को मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। फिर
भी पूरा मिक्स करने के बाद इसको रखना है गैस पे, गैस ना फास्ट करके रखना है। और यहाँ पर हम लोगों ने बिरिस्ता को अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो अभी चलो इसको मिक्सर में कर रहते हैं अच्छे से ग्राइंड, बिना पानी डाले ही इसको मैंने ग्राइंड किया था। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मिक्सर में बारीक होने के लिए। और ये जो गरम मसाला था मैंने जो आप लोग को दिखाया था वो, अब इसमें सब कुछ हम लोग डाल दिए थे। और इसके बाद का वीडियो मैं बनाना भूल गई हूँ, अब हो गया नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में उठते ही पहले फ्रिज साफ़ करने के लिए बैठी, देखो फ्रिज कितनी गंदी हो गई है, ऐसा लग रहा है कहीं सालों से मैंने फ्रिज को वॉश नहीं किया। तो चलो फटाफट करते हैं फ्रिज वॉश और मिलते हैं आपको थोड़े टाइम बाद। काम के चक्कर में मुझे वीडियो बनाने के लिए मिला नहीं, बहुत ज्यादा काम था, मुझे इतना पसारा था, इतना सामान था कि मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पाई। तो अभी मेरा घर थोड़ा सा, मतलब 90% ही नहीं हुआ, 80% सेट हुआ है, अभी 20% पूरा बाकी है। फिर मैं यहाँ पर मसूड़ा दुख रहा, तो मुझे बात करने के लिए नहीं आ रहा है, ये स्किन है ना मेरी इसे फूट गई है। तो अभी थोड़े दो तीन दिन से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही एरिया में, मतलब थोड़े दूर से इधर ही शिफ्ट हुए हैं, फिर भी पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा सा लू मोशन वगैरह दुख हो रहे सबको, फीवर है सबको, कभी तकलीफ चालू है, मतलब घर में ऑलमोस्ट सभी बीमार थे, सबको ही कुछ ना कुछ, कुछ ना मुझे, मेरी बहन को, इंशा को, सबको, मतलब लूज मोशन हो गया, अभी ज़रा जाके आज थोड़ा ठीक है। तो ऐसे इतना सारा काम भी था काम के चक्कर में, मतलब काम तो कैसे हो ही गया, एक ही दिन हमारा, मतलब 3 बजे से हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट की थी, 5-6 बजे तक तो शिफ्टिंग हो गई, यहाँ का लगाने का कुछ हो नहीं पाया, फिर धीरे धीरे वो भी कर लिया। अभी देखो मैंने अभी तो आप लोग को मैं होम टूर दूँगी इस घर का, पहले मैंने वो होम टूर तो नहीं दिया था कभी, इस बार इस घर का होम टूर दूँगी, थोड़े मेरे काम बचे हैं तो वो काम हो जाए फाइनली, तो मैं अपने घर का होम टूर दूँगी। और आज थोड़ा बहुत मैंने सुबह में, मतलब पुलाव बनाया था, थोड़ा वो शूट किया है, और कुछ जो ब्रेड का पुडिंग कुछ बनाया था वो भी थोड़ा वीडियो शूट किया, सालन बनाया था वो भी थोड़ा वीडियो शूट किया, सालन का मैंने एंड लेना ही भूल गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा है वो जो भी है वो मैं डाल दूँगी। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताना। अभी जस्ट मैंने डाला है टूटा फूटा, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में नहीं याद रहेगा, मैं अब तक सोच कि मैं बनाऊँगी बनाऊँगी बनाऊँगी, पर मैं बनाया ही नहीं पाई। पर अभी कभी आज से कंटिन्यू रोज़ मेरा ब्लॉग आएगा ही, मैंने डिसाइड किया। अभी 2-3 मेरे काम बाकी है वो मैं कर लूँगी, फिर आप लोग को थोड़ा 2-3 दिन के बाद मैं अपना होम टूर दूँगी, मतलब मंडे आज पैनल दे रहे हैं, उसके 2-3 दिन बाद दे दूँगी आपको होम टूर पूरा कंप्लीट होने के बाद। अभी एक जगह लाइट की है ना, पूरे घर में ऐसा एक ही लाइट है, तो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, तो एक और लाइट लगाऊंगी तो थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ेगा। वहाँ पर मैं बात कर रही थी तो अच्छा ब्राइटनेस आ रहा था, यहाँ पर बस अंधेरा अंधेरा आ रहा है। तो आज वेडनेसडे था, थोड़ा मैं बाहर भी गई थी, आई थी, अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं अंजुल को मैंने बोला थोड़ा तू ही खिचड़ी बना दे, वो मूंग की दाल की खिचड़ी सादी वाली बना रही, ज़्यादा काम झाम नहीं, आलू फालू बटाने मतलब कुछ नहीं, सादा खादा टमाटर के साथ दही के साथ हम लोग अभी खा लेंगे। पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं समझ में आया, सब बीमार पड़ गए हैं, कमजोरी भी आई है, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा था, आज मुझे ठीक लग रहा है, कल तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी कल आली आया था, कल आली 3-4 घंटे था, अभी आली सुबह आई है, अली सुबह भी आई है, मतलब अभी सोई है, मैं भी जैसे ईशा की नमाज वगैरह पढ़ी, अभी वो 1 घंटे से सोई है, अभी जैसे खिचड़ी बनेगी वैसे। जो मेरे को ये बहुत दर्द हो रहा है ना, ऐसा बात करूँ ना, ये स्किन ना मेरे इस दांत में आ रही है ना, तो मुझे बहुत संभाल ऐसे बात करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चमक में खुद का खुद ही स्किन को चबा खुद ही काट रही है, ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो खिचड़ी बनेगी वैसे उसको उठाऊँगी और उसको खिलाऊँगी, और 10-10:30 बजे जब तक हमारा काम होगा, अंदर गैस शुरू कर जल्दी से, तो फिर हम लोग जाएंगे उसको छोड़ने के लिए। कराली भी था, मैं उसको खुलवाने वाली थी, पर वो कैसा अली और अली का दोनों मुझे ऐसा लगता है साथ में पैदा हुए ना, तो उनको एक दूसरे को देख के, उनको एक दूसरे को खेलते हैं तो मज़ा आता है, तो उनको अलग करने मतलब रात को अच्छा नहीं लगता, दिन में कैसा वो अभी रह लेते हैं, वो आई कभी आई है वो 5:30 बजे से है, 6 बजे से है, तो अभी 9 बजे 3 घंटे से है, आराम से खेली कूदी, अभी थोड़ा थकी है तो अभी सो गई, अभी उठाऊँगी खिला खिला के बर्तन बर्तन घस के, फिर उसको जाऊँगी मैं छोड़ने के लिए। अभी क्या घर पास नहीं है, पास से नहीं, फिर भी 10 मिनट का रास्ता, पहले तो बहुत अंदर था ना, तो आने जाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अभी तो मतलब
जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वहाँ पर मार्केट रोज़ का अम्मी आती है मार्केट के लिए, वहाँ पर मतलब घर वाले कोई ना कोई आते हैं, फिर भी वो लोग आते नहीं रोज रोज। आलू कल आलू आलू को छोड़ के गई थी, आज आलू का तो हम लेके आए कहीं में बाहर गई, वहाँ से आते आते लेके आई। तो कैसा लगा कमेंट मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, और ऐसे मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और कभी खिचड़ी बन रही है, जैसी खिचड़ी बनेगी आप लोग को दिखाऊंगी, और आप लोग को कल मिलूंगी नई नई ब्लॉग के साथ। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी देखते हैं बिना स्किप किए करना। और मैंने अंगूठी पहन ली है ये, क्योंकि अभी शिफ्टिंग में बोली है छोटा मोटा सामान मिलता नहीं है, तो अंगूठी पहन ली मैंने, दूसरी अंगूठी मेरी अभी मैंने रख दिया है, तो मैंने बोला चलिए तो इसके बिना मुझे हाथ खाली खाली लग रहा है, मैंने पहन लिया। तो अभी घर का आप लोग को दिखाऊंगी मुझे कैसा है क्या नहीं। माशाल्लाह हमें जैसा चाहिए था घर हमें वो मिला, बहुत घूमने के बाद काफ़ी बड़ा है और मस्त है। आप लोग मैं 2-3 दिन के बाद सब सेटल होने के बाद जरूर दिखाऊंगी। जैसा मुझे किचन चाहिए था बड़ा वैसा किचन, इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब मेरा वो जो किचन था बहुत ज़्यादा छोटा था, मैं उससे बहुत परेशान हुई थी। अभी मेरा किचन माशाल्लाह इतना बड़ा है कि मैं आराम से बैठ के काम कर सकती हूँ, ऐसा लग रहा मेरा ना जो सूझा हुआ लग रहा है। अगर आज ठीक नहीं हुआ ना बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे खाने को भी नहीं हुआ क्योंकि सुबह से मैं देख लूँ और थोड़ा सा ये सूझा हुआ। और मेरे अभी एक्ने है ना जो पहले ब्लैक ब्लैक हो रहे थे, अभी बिना मैंने कुछ भी नहीं लगाया ना, अभी धीरे धीरे वो रेड रेड हो रहे हैं, रेड रेड होते शायद से वो निकल जाएंगे। अभी तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, फेस वॉश भी मैं साबुन लगा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं फेस वॉश भी पर्टिकुलर यूज़ कर रही थी, मेरा खत्म हुआ है मैं लाऊंगी ज़रूर। तो चलो मैं मिलूँगी वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को, अल्लाह हाफिज़। हेलो उठी, अरे मेरी बहुत शो की उठी, अभी 9:30 बजे शो की उठी है। आशो इधर देखो, इधर इधर आप बाप 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 मम्मा खाएंगी, मम्मा खाएंगी, मम्मा बहुत खाएंगी, मम्मा खाएंगी, मम्मा खाएंगी, आओ खाओ 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 खाओ, अरे खा, अरे अरे काटने का, अरे देखो दांत दिखा आलू, तेरे दांत दिखा आलू के दांत, दांत देखो आलू के दो दांत, अरे आलू के तीन, अरे मुँह में उंगली नहीं डालने देती है आलू के दांत, दिखे दिखे आधो दांत, अभी आलू का दो दांत दिखे, प्यारा रिश्ता, अभी बर्थडे आ रहा है 1 साल का आलू का, हैप्पी बर्थडे, कभी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आलू।